अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आजकल जो है ना सर्दियाँ शुरू हैं, लेकिन सर्दियों में भी आपने रोज़ वाटर को अपनी स्किन केयर में लाजमी ऐड रखना है। इससे ये होता है कि आपकी स्किन जो है ना मॉइस्चराइज रहती है। सर्दियों में ज़रा रोज़ वाटर स्प्रे करते हुए थोड़ी सर्दी लगती है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं आपको कहूँगी कि आपने लाजमी इसको यूज़ करना है। चाहे आप किसी भी ब्रांड का ले लें, किसी भी कंपनी का ले लें, तो आप दो टाइम, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले अपने फेस पर स्प्रे करेंगे तो आपकी स्किन का पीएच लेवल जो है वो भी मेंटेन रहेगा और आपकी स्किन जो है ना ग्लो भी करेगी, और जो ड्राइनेस आ जाती है ना आपके फेस पे वो भी नहीं आएगी। तो इस पे अगर आप प्लेन वाला रोज़ वाटर नहीं यूज़ करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगी, ये ग्लिसरीन वाला रोज़ वाटर भी होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये नहीं है तो आप ऐसे करें कि रोज़ वाटर लें, उसमें ग्लिसरीन ऐड करें, लेमन थोड़ा सा ऐड कर लें और उसको अपने फेस पर ना स्प्रे करें, तो उससे आपकी स्किन जो है ना बड़ी अच्छी रहेगी, मॉइस्चराइज भी रहेगी और ग्लो भी करेगी। तो बस अगर इस तरह की इतनी सी बॉटल है तो उसमें आधा आधा चम्मच ग्लिसरीन और लेमन जो है ना वो ऐड कर लें, तो बहुत ही बेहतरीन आपकी स्किन जो है ना वो रहेगी। अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते तो आप कॉटन की हेल्प से जो है ना इसको अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। कॉटन लें, उस पर थोड़ा सा लगाएं रोज़ वाटर, ये वाला जो मैंने आपको मिक्सचर बताया, और अपने फेस पे जो है ना लगा लें, तो उससे ये होगा कि आपके फेस पे जितनी डर्ट वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी और बहुत अच्छी सी आपकी स्किन भी ग्लो करने लग जाएगी। तो ओके जी, फिर मुलाकात होगी। आजकल थोड़ी बिज़ी हूँ इसलिए मेरी नई कोई भी वीडियो नहीं आ रही है, तो आप लोग पुरानी वीडियो देख लें अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।